हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रहलाद सिंह मैं लेके हूँ आज आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर का जूलॉजी का फर्स्ट पेपर, जिसमें हम देख रहे हैं फिजियोलॉजी ऑफ मेड्यूसा के बारे में। आपको बता दें कि पीछे के जो क्लासेस अभी तक बचे हैं मेड्यूसा के पहले वाले, वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मतलब कुल मिला जुला के यदि हम पेपर पॉइंट्स की बात करें या फिर हम क्लास नंबर की बात करें, तो आज का जो ये क्लास लगाया जा रहा है ये आपका पड़ जाएगा क्लास नंबर, ये आपका है कौन सा स्टूडेंट, ये है 45। ठीक, तो क्लास नंबर 45 है इसी बीएससी फर्स्ट ईयर के जूलॉजी का। ठीक, बाकी जो पीछे की क्लासेस हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे चैनल के, तो आप वहां से विजिट करके देख लीजिएगा। यदि आप पहली बार इसी वीडियो के लिए बस आए हैं तो बाकी पीछे की वीडियो चाहिए तो वो भी जाके आप वहां से देख सकते हैं। ओके, तो चलते हैं अपने पॉइंट्स को समझते हैं कि किस तरीके से हम अपने फिजियोलॉजी ऑफ मेड्यूसा को क्लियर करेंगे, कि जो हमारा मेड्यूसा होता है उसकी फिजिकली बॉडी कैसी होती है, और उसके बाद वो न्यूट्रिशन कैसे लेता है, और न्यूट्रिशन के साथ उसमें रिस्पायरेशंस कैसे होते हैं, और रिस्पायरेशंस के बाद हम बात करेंगे तो एक्सक्रेटरी सिस्टम कैसे डेवलप है, फिर हम आगे चलेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि पूरी की पूरी जो इसकी बॉडी में जितने भी वहाँ पे बर्डिंग पॉइंट्स होते हैं, ऐसे कह सकते हो कि बैलेंस ऑर्गन पाए जाते हैं, वो कैसे होते हैं। ठीक, तो कुल मिला जुला के इनमें मसल्स कैसे होते हैं, और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इनमें रिप्रोडक्शन सिस्टम कैसे होता है, या रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो मतलब कुल मिला जुला के आज के क्लासेस में हमने क्या देखने हैं, हमको आज की क्लासेस में इसके फिजियोलॉजी की बात करनी है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। यदि आप पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक और उसके बाद टीजीटी पीजीटी के भी नोट्स और वीडियो प्रोवाइड कराए जाते हैं ऑलमोस्ट फ्री, आप उसको देख सकते हैं। एक पेड वर्जन भी चलता है चैनल पे, वो आपके लाइव क्लासेस के लिए है कि जूम या फिर गूगल मीट से हम लाइव क्लासेस लेते हैं, तो उसके लिए आपको पे करने होंगे कुछ छोटे से रकम जुड़ने के लिए। तो चलिए, उसमें और ढेर सारे प्रोसेस हैं, आप उसको देख लीजिएगा कि मेंबरशिप के लिए क्या प्रावधान है। ठीक, तो बट हम यहाँ की बात कर लेते हैं आज फिजियोलॉजी। देखो सुन, जब बात करते हैं हम इसी किसकी, ओविलिया के फिजियोलॉजी किसकी है, ये फिजियोलॉजी ऑफ किसकी, मेड्यूसा तो है, किस मेड्यूसा की, ओविलिया की मेड्यूसा है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मोमेंट्स की, किसकी, मोमेंट्स की, यदि मोमेंट्स कैसे होता है, इनमें गति कैसी होती है, ये लोकोमोशंस कैसे करते हैं। तो लोकोमोशंस करने के लिए इनमें टेंटिकल्स होता है नंबर फर्स्ट, क्या होता है, इनमें लोकोमोशंस करने के लिए इसमें टेंटिकल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे स्पर्शक लगे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से तैरते हुए नजर आते हैं। जैसे ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये मेरे पास टेंटिकल्स हैं, क्या है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे टेंटिकल्स दिखाई दे रहा है, ये भी टेंटिकल्स है, फिगर ए और फिगर बी। फिगर ए क्या है, ये फिगर ए इस पॉइंट पे लिया गया है, ठीक, कैसे लिया गया है, फिगर बी ऐसे अप उठाया गया है और फिगर ए ऐसे दिखाया गया है। मतलब आपका फिगर ए जैसे एक तरबूज हो, एक तरबूज यहां से ऐसे लगा हो और यहां से मैं इसको कटर कर दिया हूं, कटर करने के बाद ये वाला जो भाग है यहां पे दिखाई दे रहा है और ये वाला भाग यहां पे दिखाई दे रहा है, ठीक, इसके टू पार्ट्स हैं। तो यहाँ ये तैरता हुआ नजर आ रहा है, कैसा, ये तैरता हुआ नजर आ रहा है और ये सामान्य तरीके से किसी भी सरफेस से फैली हुई है, कैसे है, ये तैर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक, और ये क्या है, किसी सरफेस पे चिपकी हुई नजर आती है। हमने बता दिया कैसा होगा इसमें, इसमें जो मोमेंट्स होता है वो छोटे छोटे पाए जाने वाले जो फ्री टेंटिकल्स होते हैं, फ्री टेंटिकल्स के कारण वजह से इनमें मोमेंट्स देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करें इनके टेंटिकल्स की बनावट की, कि इनके टेंटिकल्स की फिजियोलॉजी कैसी होगी, तो इनकी जो टेंटिकल्स होती है वो संकुचनशील होती है, ऐसे कह सकते हो कि इनमें कंट्रैक्टल, या कह सकते हो कि कंट्रैक्शन जो पावर्स हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, एक दूसरे को कह सकते हो संकुचित कर सकते हैं, कि मतलब जब ये फैलते हैं, आपने कभी देखा होगा केचुए को देखा होगा, तो आप उसको छूते हैं तो वो सिकुड़ जाता है, संकुचित हो जाता है, मतलब पहले से उसकी साइज
कम हो जाती है। और नंबर टू, इनकी जो बॉडी होती है किसकी, इसी टेंटिकल्स की जो बॉडी होती है, इस टेंटिकल्स के बॉडी में नर्वस सिस्टम लगा होता है। क्या होता है? नर्वस सिस्टम लगा होता है जो वाटर के करेंट्स को क्या करता है, जो वाटर के करेंट्स के हिसाब से फ्लो करता है। मतलब वाटर का करेंट यदि उसका जो फ्लो है वो धीमा है, क्या है, वाटर करेंट्स का जो फ्लो है वो धीमा है, तो ये कैसे करेगा, ये धीमे धीमे गति करता है, धीमे धीमे मूवमेंट्स करेगा। यदि वाटर करेंट्स का जो फ्लो है वो हाइयर है तो ये इनकी मूवमेंट्स की जो रेट होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होता जाती है, क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। और इनकी यदि बनावट की बात करें, जो टेंटिकल्स होते हैं इनमें क्या होते हैं, मसल्स पाए जाते हैं। कैसे होते हैं? इनमें मसल्स पाए जाते हैं। और इस मसल्स के अंदर क्या होते हैं, इस मसल्स के अंदर मेसोगिलिया, क्या यहां पे मेसोगिलिया द्वारा काफी लचीला, क्या होता है, ये मेसोगिलिया द्वारा काफ़ी लचीले होते हैं और ये तेज़ी से फ्लो करने में सहायता प्रदान करते हैं इसी टेंटिकल्स को। ठीक, ये तो हुआ मूवमेंट्स के बारे में। अब बात करते हैं नंबर टू। नंबर टू में हमारे पास आता है न्यूट्रिशन, यानी ये पोषण कैसे करते हैं, पोषण को जानना जरूरी है। ध्यान देना स्टूडेंट, बात जब न्यूट्रिशन की आती है तो हमको समझ में आता है कि जो मेड्यूसा हमारा है, क्या है, जो मेड्यूसा होता है वो तो कैसा है, मांसाहारी है। मतलब ये कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे जो हमारे छोटे छोटे क्या हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में छोटे छोटे हमारे वर्म आ जाएंगे, कृमि आ जाएंगे, निमेटोड्स आ जाएंगे, इंसेक्ट आ जाते हैं, इसके बाद जो हमारा क्रिस्टिशिया है, क्या है, क्रिस्टिशियाई है, वो देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इन सब का ये क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है अपने ही आसपास पाए जाने वाले वाटर करंट से। ठीक, तो क्लियर हो जाएगा कि मेड्यूसा जो होता है वो कैसा होता है, मांसाहारी होता है। ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिसीव करता है वाटर करंट से, जिसमें हमारा वर्म पाया जाएगा, निमेटोड्स होंगे, इंसेक्ट होगा, क्रिस्टिशियाई होगा। ठीक, ये सब उनको देखने के लिए मिल जाते हैं। और इसके बाद ये बात करें कि स्टूडेंट, जब वाटर में ये सब पूरे के पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो जो हमारा ये पूरा पूरा टेंटिकल्स होता है, ये जो निमेटोसाइट्स होते हैं, इनमें निमेटोसाइट सेल्स होते हैं और ये सेल्स किसी भी ऑर्गेनिज्म को पकड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। मतलब कि यहां से यदि वाटर करेंट्स है, ध्यान समझना, इधर यदि वाटर करेंट्स इधर को चल रहा है, ढेर सारे वाटर इधर चल रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म इतना छोटा सा यहां पे फ्लो कर रहा है, ये आगे बढ़ेगा तो ऑर्गेनिज्म यदि यहां आ गया, अपने पोजिशन ए से पोजिशन बी में यदि आया, तो जो टंटकेस होते हैं उसको घुमा के उसको पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद क्या करते हैं, उसको पकड़ने के बाद अपने मुख द्वार द्वारा, मतलब आप देख पा रहे होंगे जो माउथ सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ये माउथ सेक्शन दिखाई दे रहा है, माउथ सेक्शन की ओर इस समय ले जाते हैं। यदि वो तैरता हुआ नजर आता है तो ये माउथ सेक्शन, यानी जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा, ये वेलिम से लगे हुए हैं, क्या, यहाँ जो वेलिम होता है, वेलिम से लगे होते हैं कौन, हमारे टेंटिकल्स। ये टेंटिकल्स यहाँ से इसको पकड़ेंगे, मतलब इसका दशा ऐसे हो जाएगी और ये पूरा का पूरा माउथ में, माउथ के अंदर जो बकल के है वहां तक वो पहुंचा देते हैं। अब जो हमारा माउथ होता है वो क्या करता है, जो भी हमारा फूड है, जैसे जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो अमाशय यानी स्टमक तक पहुंच जाते हैं। कैसे होते हैं, पहुंच जाते हैं। जब स्टमक में पहुंचते हैं तो स्टमक में जाने के बाद उनका क्या होता है, केमिकली मैकेनिज्म द्वारा, धंधना उनके अंदर केमिकली मैकेनिज्म द्वारा उनका डाइजेशन होता है, और डाइजेशन होने के बाद उनके बॉडी में क्या होता है, उनके बॉडी में टू टाइप्स के पाचन एक्टिविटी होती है, आपको पता होगा, हमने बताया था पिछले क्लास में, एक होता है एक होता है इंट्रा सेलुलर, एक होता है इंटर सेलुलर। मतलब बॉडी के अंदर वाला पाचन और बॉडी के बाहर वाला पाचन। तो यहाँ पे सेल्स के अंदर कुछ हमारे डाइजेशन हो जाते हैं और कुछ सेल्स के बाहर होते हैं, तो दोनों एक्टिविटी यहाँ देखा जाता है। और जो पचा हुआ भोजन होता है, जो डाइजेस्ट फूड होता है, क्या होता है, जो डाइजेस्ट फूड होता है वो पूरी तरीके से, ध्यान देना, जो डाइजेस्ट फूड होता है वो पूरी तरीके से, जो रेडियल कैनाल होता है, क्या होता है, रेडियल कैनाल और सर्कुलर कैनाल, दो कैनाल दिखाई देंगे, ध्यान देना, ये क्या है, ये रेडियल कैनाल है और यहाँ पे सर्कुलर कैनाल है। तो क्या होगा, यहाँ पे यदि हमारा अमाशय पाया जाएगा, ध्यान देना स्टूडेंट्स,
कि हमारा यदि यहाँ पे स्टमस पाया जा रहा है तो स्टमस से माउस में गया, माउस से आगे की ओर ओसोफेगस में जाएगा, ओसोफेगस के जैसे ही हमारा क्या जाएगा यहाँ पे स्टमक आ जाएगा, तो स्टमक से हमारे पास रेडियल कैनाल होगा, तो रेडियल कैनाल और यहाँ पे सर्कुलर कैनाल से भोजन, पचा हुआ भोजन बाहर की ओर क्या होता है, पचा हुआ भोजन बाहर की ओर निकाल दिया जाता है, यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम्स का अब काम आ जाएगा। ठीक, हमने डाइजेशन में इतना देख लिया कि डाइजेशन न्यूट्रिशंस के अंतर्गत आता है, तो वो दोनों आ जाएंगे कौन कौन, रेडियल कैनाल और यहाँ पे सर्कुलर कैनाल। तो यहाँ से रेडियल कैनाल के पास आएगा, रेडियल कैनाल सबको क्या करेगा, सर्कुलर कैनाल जो वहाँ पे वैलिम है इसके जस्ट पीछे जो एरिया है वहाँ पे पूरा का पूरा फूड दे देगा, मतलब बचा हुआ यानी पचा हुआ डाइजेस्ट फूड। अब बात करते हैं नंबर अगले पे, तीसरी हेडिंग्स हमारे पास आती है रिस्पायरेशंस और एक्सक्रेशंस। अब बात करते हैं जो हमारा मेड्यूसा होता है उसमें रिस्पायरेशंस कैसे होगा, ये भी बड़ा जरूरी है स्टूडेंट। जो हमारा मेड्यूसा होता है, मेड्यूसा की यदि हम रिस्पायरेटरी सिस्टम्स और एक्सक्रेटरी सिस्टम्स की बात करें, वहां पे हमको आता है कि यहां पे कोई विशेष ऑर्गन डेवलप नहीं होता। नंबर फर्स्ट पॉइंट देखना कि इनके बॉडी में कोई भी विशेष ऑर्गन डेवलप नहीं होते हैं। अब जब विशेष ऑर्गन डेवलप नहीं है तो कहीं ना कहीं इनके बॉडी में न्यूट्रिशंस के बाद जो यहाँ पे और रिस्पायरेशंस और एक्सक्रेटरी सिस्टम देखे जा रहे हैं स्टूडेंट्स, कि ये दोनों जो एक्टिविटी होती है वो कहीं ना कहीं बॉडी से होगी। क्यों? क्योंकि इनके बॉडी में कोई विशेष ऑर्गन है नहीं इनके डेवलप के लिए, तो ये क्या होता है, इनके बॉडी में ऑस्मोरेगुलेशंस की एक्टिविटी होती है। क्या होती है? ऑस्मोरेगुलेशंस की एक्टिविटी होती है, और ऑस्मोरेगुलेशन की एक्टिविटी में यहाँ पे डिफ्यूजन विधि, क्या होता है, डिफ्यूजन मेथड द्वारा इनमें दोनों एक्टिविटी कंप्लीट होता है। देखो मल्टीपल चॉइस में पूछता है क्वेश्चन कि जो हमारा मेड्यूसा होता है, मेड्यूसा में जो ओबिलिया के, क्या ओबिलिया के मेड्यूसा में रिस्पायरेटरी सिस्टम और एक्सक्रेटरी सिस्टम किस कौन कंट्रोल करता है, तो ध्यान देना इसमें आपका एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन मेथड, ऑस्मोरेगुलेशंस के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे प्रत्येक कोशिका, मतलब जितने भी सेल्स होंगे सब सेल्स में, सभी सेल में क्या होता है, डिफ्यूजन मेथड देखा जाता है, और वो वहाँ से ऑक्सीजन को अंदर की ओर इनहेल करते हैं, मतलब लेते हैं, और उसके बाद जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं वो इसी यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है सर्कुलर कैनाल दिखाई दे रहा है इसके द्वारा बाहर की ओर फ्लो कर देते हैं। इस पॉइंट को याद रहेगा। अब देखो बात करते हैं इसी जगह हम यहाँ पे डिफ्यूजन मेथड की, तो डिफ्यूजन मेथड कहता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव। ठीक, तो क्या करेगा, जो केमिकल होगा वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा। इतना हो गया, हमने नंबर थर्ड देख लिया। नंबर फोर में ये देखते हैं स्टूडेंट्स कि इनकी बॉडी की जो शेप और साइज है, क्या इनकी बॉडी की शेप और साइज है, उसमें ऐसे कौन कौन से, क्या उसमें ऐसे कौन कौन से सेल्स हैं जो सही तरीके से इक्विलिब्रियम, क्या इक्विलिब्रियम की बात करें कि इक्विलिब्रियम यानी इनका संतुलन करते हैं, इनके बारे में। देखो संतुलन की बात करेंगे तो हमारा मेड्यूसा है, क्या है, जो हमारा मेड्यूसा है वो पूरा पूरी तरीके से हम कह सकते हो कि ये ऑस्टक, क्या ऑक्टक, ऑक्टक सीमांत होता है, यानी इनके बॉडी में कहीं ना कहीं सेंस आर्गन जैसे मेथड होते हैं। क्या होते हैं? सेंस आर्गन जैसे मेथड होते हैं, और जब सेंस आर्गन जैसे मेथड होते हैं तो जब भी ये किसी सरफेस पे तैरते हुए नजर आते हैं, क्या होते हैं, जब भी किसी भी सरफेस पे, यानी जो हमारा नॉन सॉल्टी वाटर है, नॉन सॉल्टी वाटर में ये तैरते हुए नजर आते हैं, वहां पे इनके जो स्पर्शक होते हैं यानी जो टेंटिकल्स होते हैं वो फैले होते हैं। पॉइंट फर्स्ट, जब ये फैले होते हैं तो ये माइक्रो, क्या होते हैं, ये किसी न किसी लेयर के साथ जुड़ जाते हैं, किसी सबस्टांस के साथ जुड़ जाएंगे। जब किसी सबस्टांस के जुड़ते हैं वहां पे काफी पतले कलर के अस्थाई, ध्यान देना, काफी पतले कलर के अस्थाई, और यहाँ पे कह सकते हो कि अस्थाई लेयर्स का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो लेयर होता है, क्या इनकी जो बॉडी की लेयर होती है, या फिर इनकी बात करें कि जो मेन ऑर्गन है, मेन ऑर्गन में एक छोटा सा तरल, क्या होता है, एक छोटा सा तरल कह सकते हो, लिक्विड फॉर्म का, क्या छोटा सा तरल लिक्विड फॉर्म का यहाँ पे पॉइंट्स देखने के लिए मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको पोरीफेरल, क्या
पोरीफेरल एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। जो पोरीफेरल एपिडर्मिस होता है ये आउट ऑफ एरिया बनाता है, ध्यान देना क्या है, ये जो ये आप एरिया देख रहे हो, ये जो एरिया है ये हमारा पोरीफेरल है। क्या है पोरीफेरल, मतलब होता है कि परिधि, क्या होता है पोरीफेरल एपिडर्मिस वाला पार्ट होता है। ये जो पोरीफेरल एपिडर्मिस होता है ये किसका बना होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। किसका होता है स्टूडेंट, ये कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, बट ये लिक्विड फॉर्म का होता है। कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म का होता है। इस चीज को याद रहे, काफी अच्छा है, पूछा जाता है। ठीक, अब देखो जब ये लिक्विड फॉर्म का है और इसके बाद ये पूरा का पूरा कह सकते हो कि लोकोमोटरी जब करता है, लोकोमोशन करता है, तो ये लिक्विड है, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मूव करते हैं अपने ही एरिया में। क्या करते हैं, अपने ही एरिया में लगातार मूव करते हैं। ये जब मूव करते नजर आते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टेटोली, क्या स्टेटोली, तो स्टेटोली और ऑटोटोली, क्या स्टेटोली और ऑटोटोली कहते हैं। कब, जब ये इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, किसके पार्टिकल्स, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स हैं जो इनके पोरीफेरल एरिया पाए जाते हैं, जब ये मूव करते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, स्टेटोली, स्टेटोली या फिर ऑटोली के नाम से जानते हैं। और इनका जो श्रावण होता है वो लियोसाइट द्वारा होता है। कैसा होता है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बनते हैं, ध्यान देना, ये कैल्शियम जो कार्बोनेट होते हैं ये स्पेशली लियोसाइट, कैसे, या फिर लिथोसाइट कह सकते हो इसको, कि लिथोसाइट के द्वारा बनते हैं। तो आप लिख सकते हो इसको, ये है लिथोसाइट, तो लिथोसाइट द्वारा बनते हैं। कब, कौन बनता है, यही हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, इतना क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी और जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसी के आउटर सरफेस पे, क्या होता है, इसी के आउटर सरफेस पे सेंसरी ऑर्गन होते हैं या सेंसरी प्रोसेस होता है। क्या होता है, सेंसरी प्रोसेस होता है जो आर्ट, क्या होता है, जो ऑटोलिथ के उभार से बनता है। क्या होता है, ऑटोलिथ के उभार से बनता है। इतना क्लियर कर लिया। अब बात करते हैं इनमें इक्विलिब्रियम और मस्कुलर कॉम्बिनेशंस या कोऑर्डिनेशन की बात करें, किनकी बॉडी में जो मस्कुलर पॉइंट्स हैं, जो मसल्स हैं, उनका कोऑर्डिनेशन कैसा होता है, इसको जानना जरूरी है। तो एक चीज याद रहे, जो हमारे पास ऑटोलिथ होता है, क्या होता है, ऑटोलिथ होता है, तो ऑटोलिथ के वजह से ही, ध्यान देना, जो मेडूसा होता है जब ये सक्रिय फॉर्म में होता है, फ्री स्विमिंग कर रहा होता है वाटर में, तो वहां पे ऑटोलिथ की वजह से ही इनमें लगातार इनके जो बॉडी के पूरे पूरे इक्विलिब्रियम है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशंस हैं, उसको कंट्रोल, वो कोऑर्डिनेट किया जाता है। और उसी जगह से जो नर्वस सिस्टम्स हैं, क्या है, इसका जो नर्वस सिस्टम्स होता है, नर्वस सिस्टम्स को कंट्रोल, वो कोऑर्डिनेट करते हुए नजर में आते हैं। तो मेन टॉपिक कौन है, इनकी बॉडी को कंट्रोल वो कोऑर्डिनेट करने के लिए यहां पे स्टेटोलिथ या फिर यहां पे ऑटोलिथ का जरूरत पड़ता है, जो लिथोसाइट सेल द्वारा सीक्रेट होता है। ठीक, इतना हो जाएगा, ये प्रोसेस है। हमने बताया था कि यहां पे ऑटोलिथ और जो हमारे पास ऑटोलिथ और स्टेटोलिथ है, ये दोनों प्रोसेस हैं, किसके, इसके बॉडी में होने वाले प्रोसेस हैं। ठीक, और ये प्रोसेस किसके द्वारा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके लगातार मूव करने से होता है। और जो कैल्शियम पार्टिकल्स होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स होते हैं, वो लिथोसाइट द्वारा अरेंज होते हैं या उनसे उनका फॉर्मेशन करता है। ओके, इतना क्लियर करने के बाद अगले नंबर पर चलते हैं, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों, क्योंकि जो इनकी बॉडी होती है, क्या होती है, इनकी जो बॉडी होती है, इनकी बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है, यानी यहाँ पे नॉन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कोई बनावट नहीं होती है। अब देखो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है, तो पूरी की पूरी इनकी बॉडी में यहाँ पे गोनोजॉइट्स, क्या, ध्यान देना, इनकी बॉडी में गोनोजॉइट्स बनते हैं, और जो गोनोजॉइट्स बनते हैं वो गोनाड्स के द्वारा बनते हैं। ठीक, क्या होता है, गुनार्ड्स के द्वारा बनते हैं। तो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे गुनार्ड्स। ठीक, ये जो गुनार्ड दिखाई दे रहे हैं ये इन्हीं से गोनोजॉइट्स होते हैं। क्या होते हैं, गोनोजॉइट्स होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, गुनार्ड्स होते हैं। और एक चीज बता दूं स्टूडेंट, ये कैसे होते हैं, ये यूनि, ध्यान देना, कैसे होते हैं, ये एक लिंगी होते हैं।
कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं, आपको पता है। ये यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल के साथ मतलब एक लिंगी होते हैं, मतलब मेल और फीमेल दोनों कैसे होंगे, अलग अलग होते हैं। यानी टेस्टिस और जो ओवरी होगा वो अलग अलग प्राणियों में पाया जाता है। क्या होता है, अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होगा, मतलब एक ये मेल होगा तो दूसरा जो होगा वो फीमेल होगा, इसी का तो मतलब होता है हमारा यूनिसेक्सुअल। ठीक, अब आगे जब यूनिसेक्सुअल होता है तो मेड्यूसा के अंतर्गत हमारे पास क्या गोनाड पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, जो स्पर्म्स और ओवा का फॉर्मेशन करते हैं, यानी से जो सेक्स सेल ऑर्गन होती हैं, क्या होती हैं, सेक्स सेल होते हैं। तो सेल सेक्स ऑर्गन द्वारा यहाँ पे जैसे हमारा कौन हो जाएगा, टेस्टिस और ओवरी हो जाएगा, तो ओवरी से ओवा का फॉर्मेशन और टेस्टिस से स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा। जब स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है तो दोनों जाके क्या, दोनों जाके एक साथ मेड्यूसा का जो ब्लास्टोमियर, ब्लास्टो स्टाइल कह लो, ब्लास्टो स्टाइल के साथ जुड़ी होती हैं। और क्या ब्लास्टो, ब्लास्टो स्टाइल इसी की बात कर लो, ये जो एक्टिविटी है इसकी बॉडी के अंदर, यदि बात करेंगे आगे तो पढ़ाएंगे आपको लाइफ प्रोसेस में, क्या इसकी जो लाइफ हिस्टोरी है उसके बारे में, या लाइफ साइकिल्स होगा उसमें हम दिखाएंगे आपको क्या होता है इसका जस्ट रीजंस। तो वहाँ पे पूरा का पूरा एक चुंबक नुमा संरचना दिखाई देता है, और वहाँ पे जो डिविजन्स होते हैं, क्या जो वहाँ पे डिविजन्स होते हैं, वैसे जैसे हमारे सेल्स डिवीजन के अंतर्गत, यानी ह्यूमन का जब हम सेल्स डिवीजन पढ़ते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे ह्यूमन के प्रोसेस होते हैं मार्बुला ब्लास्टुला के, वही प्रोसेस यहाँ भी ओविलिया के अंतर्गत देखा जाता है। और आगे चलकर पूरा का पूरा जो इनके गैमेट्स होते हैं, क्या होते हैं, इनके जो गैमेट्स होते हैं वो परिपक्व होने के बाद, क्या होते हैं, परिपक्व होने के बाद वो फट जाते हैं। ठीक, जो हमारे जनन ग्रंथियां होती हैं, जो इनके सॉरी जो गोनाड्स होते हैं वो परिपक्व होने के बाद फट जाते हैं, और फटने के बाद जो पूरे पूरे गैमेट्स होते हैं वो वाटर में फ्री हो जाते हैं। क्या होते हैं, वाटर में फ्री हो जाते हैं। जब वाटर में फ्री होंगे तो यहाँ पे इनके सेल्स का डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा केवल सिंपल सा फिजियोलॉजी ऑफ मेड्यूसा ऑफ ओविलिया। तो अगले प्रोसेस में मिलते हैं क्लास नंबर 46 में आपके लिए लाइफ हिस्टोरी ऑफ ओविलिया के बारे में, कि लाइफ हिस्टोरी कैसे होगा किसका, ओविलिया का। तो पीछे क्लास आप जरूर देखिए, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे क्लास की नोटिफिकेशन मैं लगातार आपको अपडेट करता रहूं, जिससे आपकी स्टडी कंप्लीट होती रहे। तो बेस्ट ऑफ लक, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।